सेकंड्स आते भाई जो वो लाइटिंग का सेटअप कर रहे हैं, अभी लाइट जल जाएगी तो ये रोशनी हो जाएगी पूरी। ये देखें एक लाइट ऑन हो गई है ताकि जो है वो ज़बरदस्त कैंपिंग का सामान हो, फिर उसके बाद खाने पीने का जो भी होगा वो तो आपको दिखाएंगे। इसको ऊपर करना होगा अभी। जबरदस्त आते भाई, ये आते भाई के क्या में क्या बात है, आते भाई क्या बात है। हो तो हमें चाय कौन पिलाएगा और ऐसी रोशनी कौन लाएगा, क्या बात है। बिल्कुल जबरदस्त और बड़ा होता है, क्या बात है। वाह आते भाई वाह, ये तो आपने टावर बना दिया है पूरा। ये सांप लेकर आए थे हम बाहर से, यहाँ से नहीं मिलता ये। बेहतरीन बेहतरीन हो गया। शेरशाह में मिलता है ये, शेरशाह में मिलता है। शेरशाह वाला तभी तो इतनी चीज जो बनता है तभी भाई। यही सही है, यही सही, ज्यादा करीब नहीं होना, पीछे होना। नवाज भाई दिख रहे जी, समीर भाई। नवाज भाई कहाँ पे हैं, कैंपिंग साइट पे पहुँच चुके हैं हम, इस इलाके के बारे में कुछ बताएं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाका है, सरदार जुल्फिकार का एरिया है और उनके यहाँ कौम राज और बिरादरी रहते हैं बोराई, और उनका यहाँ पे एक बैठक बना हुआ है। कुछ कोई मेहमान आए या अरबी या पाकिस्तान से जान लाते, शिकार भी होता है, शिकार भी होता है जी, आईबेक्स का और तल्लूर वगैरह का। अभी मेरे को आइडिया नहीं है, क्या है कुछ आइडिया आपको, नाम क्या है इस जगह का? नाम संगरी बोलते इस जगह को, वैसा सिरिंगर हाँ बोलते, संगरी भी बोलते। मैं बेसिकली ये भोराई के नाम से, जो सरदार जुल्फिकार का कबाइल बिरादरी को भोराई कहते, तो इलाका उसी नाम से। तो ये हिंगोल नेशनल पार्क में आता है, हिंगोल नेशनल पार्क के साइड में आता है। ये थे जी हमारे नवाज भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। जुल्फिकार भाई कैसे हैं? अलहमदुल्ला आप कैसे हैं? जबरदस्त ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार भाई, आपकी जगह पे आए हैं। असल नज़ारे यहाँ के तो सुबह के, इंशाल्लाह। मैं तो एक दफ़ा आ चुका हूँ। क्या नाम क्या है इस जगह का? फोर नाम है नहीं, वैसे संगुड़ी बोलते हैं। संगुड़ी, वही नाम मेरे जहन में, मैं सरिंजर बोल रहा था नहीं, संगुड़ी। संगुड़ी मतलब ये सारा हिंगोल नेशनल पार्क में आता है? नहीं, हिंगोल नेशनल पार्क आगे, हिंगोल नेशनल पार्क से बाहर। अच्छा अच्छा, बाकी सुबह के नज़ारे इंशाल्लाह दिखाते हैं और बस कैंप साइट खाने की तैयारी करते हैं। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। करना है गरम गरम सारे हो जाए अबे कौन से कौन सा बिलोगे छठा सातवां बिलोगे अबे इंटरनेट पे लगा दिया तुम लोगों ने यार। मेरी माँ बोल रही है इतना बड़ा सेठ आदमी चाय मोहब्बत है यार आती भाई आपकी यार। Thank you.
फिकार भाई कहीं नहीं जाता है आज इधर ही है भाई तो आवर देना कर लेते हैं भाई सर जी फिर समझ नहीं देंगे तो ये लोग मैं क्या कह रहा हूं क्या की क्या है ये बस समझ अरे लाभ बेबर कहना चाहेंगे आपके प्रोग्राम के बारे में? बस यार प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बेहतरीन, और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, ठंडा मौसम है, यहाँ बैठे हुए चने तैयार हो रहे हैं सुबह के लिए, हलवा पूरी, और माशाल्लाह से खाना माना खा के आप देख रहे हैं सब कैंप वैम्प लगे हुए हैं और ये मॉस्किटो वगैरह, तो वेदर आप सर्दी लग रही है, बस सोने की तैयारी है, और सुबह इंशाल्लाह नेक्स्ट लोकेशन जो हमारी है वो सपत बीच है, सपत बीच जाएंगे और वहाँ थोड़ा एंजॉय करके सुबह उठ के पहले तो ये माउंटेन एरिया कोई ड्रोन शॉट, तो उसके बाद फिर सपत बीच से फिर कराची बैक।